सुना भाभी आपसे ऑटोग्राफ लेने आई और आपने निकाह नामे पर ही साइन करवा लिया। नहीं वो पता नहीं उसने कराई या मैंने कराए, लेकिन हमारी मुलाकात पहले ऐसे ही हुई थी। ग्लासगो में शूट करा था एक देश परदेश की स्कॉटलैंड में, तो वहाँ पहली मुलाकात हुई थी हमारी। वो कहते हैं जोड़े आसमानों पे बनते हैं। तो वो बना हुआ था जोड़ा, मैंने कहा भी देख लो बर्दाश्त कर सकती हो, तो उसने कहा जी बिल्कुल। मैंने कहा चलो फिर आओ शुरू करते हैं जिंदगी। उसके बाद भाभी ने आपको कभी किसी को ऑटोग्राफ तो नहीं देने दिए होंगे जी? नहीं नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि वो ऐसा नहीं हुआ कि मैं शादी के बाद एक्टिंग में आया। मैं एक्टिंग में था तो मेरी शादी। मोस्टली होता ही है कि जब हम इकट्ठे होते हैं तो बच्चे, क्योंकि अब क्योंकि बुलबुले की वजह से बच्चे बड़े सभी फ़ैन हैं, तो मोस्टली बच्चे भाग के आते हैं, वो मोबाइल होता है, तो वो फिर मैं कैमरामैन बेगम को बना देता हूँ आप खींच दो। तो इस मामले में बहुत हेल्पिंग हैंड। हाँ, बच्चों की अब तक तो हेल्पिंग हैंड होंगी। जब कोई खूबसूरत लड़की आ जाए उस वक्त क्या करती है? हाँ, देखो उस वक्त तो तस्वीर तो खींच देती है, लेकिन वो चेक करती है कि मैंने फासला कितना रखा। तो वो बाद में पूछ भी लेती है कि जो शक्ल की अच्छी लड़की हो आप बड़े करीब हो गई तस्वीर खिंचवा रहे हो। मैंने कहा भाई वो कैमरामैन तुम बताओ कि मैं वैसे खिंचवा दूंगा। भाभी आपकी फैन थी, तो क्या आज भी फैन है या पर्दे के आगे और पीछे का फर्क समझ गई है? नहीं अब होता नहीं, वो बहुत खतरनाक क्रिटिक भी है, और अब जैसे कि उसको लगता है कि नहीं बस अब आपने कॉमेडी कर ली, करते रहे कॉमेडी, लेकिन अब आप उसके साथ सीरियस कोई काम करें। वो सम टाइम मुझे कहती हैं कि मैं तो वो तो फैन, अब मेरे सीरियस काम की थी ना, तो उसको लगता है कि नहीं अब आपको सीरियस काम करना चाहिए। क्या भाभी आपको सीरियस लेती है? वही तो है जिसको मुझे उसको मुझे सीरियस लेना है। उसको लेना पड़ता है मुझे सीरियस। मैं को तकरीबन कोई 9 साल मैं यहाँ रहा, मेरा पूरा स्ट्रगलिंग टाइम। और इस मेरे अपार्टमेंट पे आप सोचें, अल्लाह गरी के रहमत करे बब्बू बराल, तो अशरफ मतलब अशरफ खान साहब, विकी को मैं यहाँ लेके आया, तो रात में एक पूरी महफिल लगती थी, जो अब थिएटर के बड़े बड़े नाम हैं वो सारे यहाँ आते थे, और पूरी रात हमारा जो है वो यहाँ इछरे दाल चने के वो फ्राई होती थी, वहाँ से दाल आती थी, और रात तकरीबन महफिल चलती थी कुछ सुबह 4 बजे तक, तो नमाज़ पढ़ के सारे हम सुनते थे। वाह वाह वाह। और रात में यहाँ वॉक करना, और अब तो खैर शादमान में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो गई। ये तो बड़ी फिर तारीखी जगह हुई। अब तो नज़र भी तारीखी ही आ रही है। मुझे याद है जब क्वेटा से नई रिजाज, हमारा इस वक्त फिल्म का बहुत बड़ा नाम है, जब क्वेटा से हम उनको भी लाए तो वो भी कुछ अर्सा 6-8 महीने हमारे पास यहाँ रुके, तो पूरा एक मतलब एक रात में एक दस्तरखान बिछता था, और लोग अक्सर थिएटर से, मुझे याद एक दफ़ा रात में कोई 3-3:30 बजे नॉक हुआ, और बब्बू बराल साहब, तो मैंने कहा खैर, कहने लगे यार गर्मी बड़ी थी, कहने लगे यार मेरा ना अपार्टमेंट था उनका कहीं, कहने लगे मेरी चाबी गुम हो गई, तो मैंने सोचा यार मैं अब कहाँ जाऊँ किसी को तंग करूँगा, तो मैंने कहा यार नबील और विकी के पास चलता हूँ। हाँ, वहाँ हमने बिस्तर लगाया, हमने कहा अभी इधर रुके, सुबह नाश्ता किया, अच्छा भी खुदा हाफिज़। वाह। फिर एक प्ले जंजालपुरा चलता था, तो विकी महमूद असलम सब बैठ के यहाँ जो है वो बनाया करते थे, उसके सीन्स को डिस्कस करते थे। फिर तारिक भाई, तारिक जमील साहब जो है वो आते थे हमारे पास, कि यहाँ कर कोई भी फीमेल किसी को मिलने नहीं आ सकती। हाँ। तो वो किसी का कोई मिलने वाला आ जाता था तो विकी जाके प्रटेंड करता था कि फैमिली घर से आई हुई है। अच्छा। यानी नसीम विकी को आपने इस काम के लिए रखा? नहीं नहीं, वो तो उसको तो मौत पड़ती थी, वो तो दुआएं करता था कि मैं शूट के लिए कहीं बाहर जाऊं और वो पीछे अपना माहौल बनाए। जिस जमाने में आप बतौर एक्टर मशहूर हो गए थे जी, उस वक्त तो लोग ये पूछा करते थे कि भई आप एक्टिंग के अलावा और काम क्या करते हैं जी? बहुत बहुत बार ऐसे होता था, आपको एक्सरसाइज भी करनी है फिट रखने के लिए, आपको मेंटल एक्सरसाइज भी करनी है, तो वो मुझे लगता था यार ये तो 24 आवर काम है एक्टिंग जो है, तो लोग इसको यहाँ काम ही नहीं समझते। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब से फिर प्राइवेट सेक्टर आया, चैनल्स आए, तो अब ये प्रॉपर जो है वो एक लोगों को लगता है और लोग इसको प्रोफेशन के तौर पे लेने लगे हैं। बच्चों में से किसी का फिल्म या टीवी की तरफ रुझान है? बच्चों में जो मेरी बेटी है फातिमा,
उसको हमने मजबूरी के तहत डाल दिया था बुलबुले में। अब वो जो चांदी बनी हुई है बुलबुले में वो मेरी बेटी है एक्चुअल, तो वो थोड़ा सा वो कर लेती है। बाकी बच्चों को मैंने छोटे छोटे कैरेक्टर्स कराए थे लेकिन बहुत ज़्यादा उनका लगा नहीं मुझे। अब पर दूसरी बात ये कि मैं बहुत ज़्यादा उनको भी ऐसा इनकरेज भी नहीं करता, मुझे लगता है कि प्रोफेशनल एजुकेशन उनकी हो जाएगी उसके बाद करना चाहिए, मुझे कोई इतराज़ नहीं। नबील बागे जिना में वाके कॉस्मोपॉलिटन क्लब पहुँचे तो क्लब के सदर डॉक्टर इफ्तिखार बुखारी ने गर्म जोशी से इस्तकबाल किया। दरीना दोस्त राना नदीम से भी मुलाकात हुई, बैडमिंटन खेलने की यादें ताज़ा की। बागे जिना में नबील के परिस्तारों ने उनके साथ सेल्फियां बनवाई। नबील ने अपने पसंदीदा सिग्नेचर रेस्टोरेंट में अशरफ खान और नैयर एजाज की पुरतकल्लुफ दावत की। शुक्रिया आपका, आपका शुक्रिया कि आप तशरीफ लाए। बड़े शॉर्ट नोटिस पे खान साहब को कहा है, ये फैसलाबाद से ट्रैवल कर रहे थे माशाल्लाह, और आते हुए आप नैयर एजाज साहब को उठा के लाए। विकी ने भी आना था, उनका शायद कुछ वो फिल्म में रखल कर रहा। अशरफ खान साहब को शौक ही बड़ा था कि वो आपको खाना देना चाहते थे। नहीं ये ख्वाहिश तो, ये ख्वाहिश तो नैयर की भी है। हाँ, वो मैं फिर किसी दिन पूरी कर। ये लो, खाने के बाद कॉलेज दौर शुरू हो जाएगा कि लोग यहाँ से बाथरूम के बहाने जाएंगे। आपने ज्यादती की वैसे कि हमारे शहर में आके आप हमें खाना दे रहे हैं। जी जी मैं खाना दे रहा हूँ लेकिन बिल आप लोग दे रहे हैं। मगर मैं तो फैसलाबाद से ट्रेवल करके आया हूँ। तो आपकी जेब कट गई जी का। मेरा ख्याल है नैयर साहब ये फ्रीजा सर अंजाम देंगे। चूंकि हमेशा हुआ ऐसा है ना कि नबील ने जब दावत दिए तो बोझ भी नबील ही उठाता है, तो मेरा ख्याल ये भी यही उठाता है। आज वो उनके तेवर कुछ अच्छे नहीं लगते। ऐसा कीजिएगा कि बिल आप दे दीजिएगा और हम एक ड्रिप मंगवा लेंगे पीले टीके डाल के ताकत वाले आपके लिए। भट्टी साहब माशाल्लाह नबील का अब मेरे साथ या खान साहब के साथ माशाल्लाह तो भाइयों जैसा ताल्लुक है। नबील की जो सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये जहाँ भी होता है चार यार इकट्ठे कर लेता है। और सोचे इनको इकट्ठा करना कोई आसान काम नहीं। तौबा। तौबा। नबील की ये बात है कि दिल का बहुत साफ अच्छा दोस्तों का दोस्त है ये जिसकी हेल्प करना चाहे कोई इसे दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती, मगर मुंह का ज़रा सा ये है कि कड़वा है, सच्ची बात कर देता है। फसी बारी खान का लिखा हुआ एक सीरियल था वादा, उसमें इन्होंने एक सुपरस्टार पाकिस्तान के कास्ट कर लिए, डायरेक्शन इनकी थी। उन्होंने क्या किया सुपरस्टार साहब ने कि इनसे बातचीत तय करके एडवांस भी चित लिया, तो उनको कहीं ऑफर आ गई बाहर के किसी मुल्क से। अब ये वाइब्रेशन हुई शहर में, इनको पता चल गया कि जी वो तो बाहर जा रहे हैं इंग्लैंड। ये उनके पास पहुँचे, उन्होंने कहा सलाम वालेकुम कैसे मिजाज ये वो। उन्होंने कहा थोड़े से गिल्टी तो थे वो कि यार मैं अब अनाउंस करने वाला हूँ कि मैंने बाहर जाना है। तो नबील ने कहा कि एक बात बताइए, आपकी रिस्पेक्ट आपकी इज्जत सर आँखों पे, लेकिन ये फरमाइए कि मेरे नोटों पे क्या ईद मुबारक लिखा।